और राकेश रंजन हमारे दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो चुका है मधुबनी से। राकेश रंजन जी मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार जी। नमस्ते मैडम, बताइए सर क्या हाल चाल। जी जी बढ़िया बढ़िया, बताइए किस टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं। जी हमने जो है वोडाफोन आइडिया का जो है 11 रुपये प्रति शेयर हमने जो है लगभग 1300 हमने बाय किया हुआ था। ओहो, जिसका जो है मेरा एंड ऑफ द ईयर मेरा जो है टारगेट बना हुआ है। हाँ, मतलब क्या मतलब करना चाहिए वो आप बता दो। आप एंड ऑफ द ईयर क्या कहा आपने, मैं सुन नहीं पाई। जी ये साल का अंतिम तक हमने सोचा है कि इसको रखना चाहते हैं। ठीक है ठीक है जी, इसको क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में। ठीक है, झटपट आपको सलाह देते हैं। आपकी बाइंग प्राइस 11 की है ना, मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। जी जी मैम। ओके परफेक्ट, अक्षय आपके पास आऊंगी, बताइएगा नियर टर्म आउटलुक ही है इनका इस साल के अंत तक। जी तो वोडाफोन आइडिया अगर आप ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर स्टडी करें, जो वीकली प्राइस चार्ट है, 6 महीने का आपका नजरिया है, तो एक रेंज में सीमित है। एक चीज है, बार बार 17-17.5 के स्तर पे इसमें काफी बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है, तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जोन है। मेरा रीडिंग है प्राइस देख के कि अगले 1-1.5-2 महीने तक तो शायद ये एक रेंज में सीमित रह सकता है, जहां पे लोअर एंड ऑफ द रेंज शायद 12.5 तक भी हो सकता है, रेंज में रहेगा, वॉल्यूम्स कम रहेगा। पर ये स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम का दौर आने के लिए 17-17.5 का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका नजरिया 1-2 महीने का है तो मेरे हिसाब से एग्जिट लेना है। अगर दिसंबर तक आपको रखना है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेल करके 11 तक रखना है। मोमेंटम तभी मिलेगा जब 17.5 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, उस केस में टेक्निकली फिर टारगेट आपका 19-21 तक बनेगा। तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म या मीडियम टर्म के इन्वेस्टमेंट से आप होल्ड कीजिए। मोमेंटम जरूर आएगा पर अगले 1-2 महीने में तो शायद न्यूज नहीं रहेगा, इसमें कोई एक्शन नहीं रहेगा, तब तक स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित होने का मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं।